और ऐसे में देखो पूरा पेड़ भाई, पूरा कंप्लीट पेड़ जड़ समेत, ये रही इसकी जड़। और भाई ये देखो ऊपर का सिरा, जड़ की हाइट ही कितनी ज्यादा है, मतलब जड़ का टूटा हुआ हिस्सा है बेसिकली अभी, मतलब जड़ कितनी लंबी होगी। जय गंगे भैया, हर हर महादेव। आ चुके एक और नई वीडियो के साथ। और कल के दिन आपने देखा होगा भाई, हरिद्वार में जो गंगा जी ने रौद्र रूप बना लिया था, जो पहाड़ों पर बादल फटे थे ना, उससे गंगा जी का जलस्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। बेसिकली बाढ़ आ गई थी, खतरे के निशान से बहुत ज़्यादा ऊपर बह रही थी उस वक्त गंगा, आपने देखा ही होगा। तो आज की वीडियो में दिखाएंगे भाई आज के ताजाल भाई, आज क्या स्थिति है, कितना ज़्यादा जल आ रहा है, जल कम हुआ कि उससे ज़्यादा बढ़ा, सारी चीज़ें जो आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। तो कुल मिला के वीडियो जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली, तो आप भी वीडियो को अभी से जो लाइक कर दीजिएगा और साथ ही शेयर कर दीजिएगा। सो गाइस अभी पहुंच चुके हैं चंडी घाट वाले पुल पर, और यहां से मैं दिखाने वाला हूं कल के घाट में और आज के घाट में क्या डिफरेंस है, बेसिकली कल कितना ज़्यादा जल था और आज की क्या स्थिति है। हालाँकि आपको गंगा जी हल्का हल्का नज़र तो आ रही होगी, लेकिन एग्जैक्टली आपको पता भी नहीं चल रहा होगा, तो अभी मैं दूसरे एंगल से आपको दिखाता हूँ भाई। सो गाइस इस वक्त चंडी घाट वाले पुल पर हैं, और भाई यहाँ से दिखाता हूँ मैं चंडी घाट भाई। कल ये पूरा घाट डूबा हुआ नज़र आ रहा था, देख रहे हो पूरा निशान दिख रहा है ना, गीला गीला भाई, वहाँ तक उससे ऊपर तक जल जा चुका था। और पेड़ और लकड़ियाँ देखो कितनी फंसी पड़ी हैं भाई, कितनी फंसी पड़ी हैं। ऐसे में घाट पर नीचे की तरफ चल के देखेंगे भाई वहाँ पर क्या सीन है अभी, तो एक बार ऊपर से नज़र डालिए। ये आगे की ओर का पूरा प्लेटफॉर्म डूबा हुआ था कल, बेसिकली इसके ऊपर से जल आ रहा था, क्रेन जिसे मुझे लग रहा था बह जाएगी भाई नहीं भाई। जैसा मैं अक्सर कहता भी रहता था भाई, जो भी जल आ रहा है वो बहुत कम आ रहा है, आने वाले टाइम में बहुत बढ़ेगा, और देखा आपने कल कितना बढ़ा था। और हालांकि अभी भी बहुत जल बढ़ा हुआ है भाई, ये जल कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है, डेंजर लेवल पर अभी भी गंगा जी हैं, और जो कि आने वाले टाइम में कम होगा। तो उसके बाद फिर से एक और अपडेट वाली वीडियो बनाएंगे जिसमें दिखाएंगे भाई अभी जल कितना है। पुल पर दूसरी साइड देखने पर भाई, जो कल प्लस डूबे हुए नज़र आ रहे थे ना, कल इस प्लस के ऊपर से पानी जा रहा था, और भाई इसके ऊपर भी पानी जा रहा था, ये लोहे वाली एंगल नज़र नहीं आ रही थी कल, ऑलमोस्ट पत्थर पत्थर ऊपर के नज़र आ रहे थे ऊपर का टॉप। और भाई आगे जो टापू बना हुआ ना भाई, टापू के ऊपर से, पूरे टापू के ऊपर से जो पानी जा रहा था कल, आज जो वहाँ पर लकड़ियाँ नज़र आ रही है, जो वहाँ से थोड़ी तबाही मची ना वो नज़र आ रही है। हालांकि देखो यार धुंधला नज़र आ रहा है, क्योंकि जो धुंध काफ़ी है, एक्चुअल कैप्चर नहीं कर पा रहा। देखो भैया आज ना पूरा प्लेन कर दिया, हालांकि अभी भी देखो टापू के ऊपर से चल जा रहा है, कल तो पूरा फ्लो चल रहा था दबा के, और ये वाले पेड़ हल्के हल्के नज़र आ रहे थे भाई। चंडी घाट पुल का इस तरह का नज़ारा दिख रहा है, जिस साइड गंगा जी जा रही हैं, और आगे की साइड है वो एल पॉइंट जहाँ पर हाई टर्न आ रहा है, और उस प्लेटफॉर्म के ऊपर पूरा जल जा रहा था कल। पहुँच चुके हैं चंडी घाट, और ऐसे में देखो कल कहाँ तक जल आ रहा था कल भाई, यहाँ पर जो पहली सीढ़ी है ना वो भी नज़र नहीं आ रही थी, चंडी घाट की सारी सीढ़ियाँ डूब चुकी हैं, कल इतना ज़्यादा जल था। आज लगभग कितना कम हो गया, 4 से 5 फुट, 5 फुट के समथिंग जल कम हो चुका है, और इसका अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं। ये सामने कुटिया देख रहे हो ना भाई, ये कुटिया कल ऑलमोस्ट डूब चुकी थी, ऊपर का ये टॉप टॉप इसका नज़र आ रहा था। आगे मेडिटेशन की जो कुटिया बनी थी वो भी डूब चुकी है, उसके ऊपर से जल जाने लगा, जिसकी हाइट 8 से 9 फुट है। और अभी जो इसका फ्लोर है ना, देखो फ्लोर अभी नज़र नहीं आ रहा, उसके ऊपर अभी भी जल है। तो जल कम हुआ लेकिन बहुत कम अभी नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ का जो घाट है ना, जैसे कि मैंने कहा था यार 15 से 20 फुट नीचे यहाँ का घाट है, ये बहुत ऊँचाई है इस वक्त देखा जाए तो नीचे की तरफ यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं, और नीचे जाके यहाँ पर घाट है, सीढ़ी बहुत नीचे है। तो ऐसे में जल अभी भी बढ़ा हुआ है, अभी भी काफ़ी बड़ी बड़ी लकड़ियाँ, बड़े बड़े पेड़ अभी भी बहकर जा रहे हैं, देख सकते हो कितना बड़ा पेड़ है, अभी देखो घूमेगा जब पता लग गया। बेसिकली पेड़ का हिस्सा है जो कि टूट चुका है गंगा जी के प्रेशर से, और ऐसे में देखो पूरा पेड़ भाई, पूरा कंप्लीट पेड़ जड़ समेत, ये रही इसकी जड़। और भाई ये देखो ऊपर का सिरा, पूरा पेड़ जड़ समेत उड़ के जा रहा है, मतलब बह के जा रहा है, और इस तरह के कई पेड़ जो फंसे हुए गंगा जी में। और आगे दिखाऊं पहाड़ों पर माँ मनसा देवी का मंदिर, भाई धुंध काफ़ी हो रखी है, धुंध बहुत ज़्यादा छाई हुई है, और भाई इस तरह के बहुत पेड़ अभी भी बह कर आ रहे हैं। देख लो गाइस अभी देखो एक पेड़ ही आ रहा, एक अभी आगे गया, पूरा जड़ समेत है भाई, पीछे देखो और भी पेड़ बह कर आ रहे हैं भाई, बहुत ज़्यादा तबाही मची है जो उत्तराखंड में बादल फटे ना, बहुत ज़्यादा। और आगे की तरफ और दिखाता हूँ मैं आपको। तो भाई चंडी घाट पर कुछ इस तरह की स्थिति है, देख रहे हो रेत नज़र आ रहा है यहाँ पर, पूरा रेत रेत भाई, इस तरह के जो पेड़ वगैरह लकड़ियाँ वगैरह ना, आगे तरफ देखो लकड़ियाँ जो पड़ी ये सारी ऊपर बह कर आई थी, अब अंदाज़ा लगा लिए कितना जल था। सो भाई देख रहे हो कितना बड़ा पेड़ है भाई, इसकी हाइट जो होगी 15 फुट के समथिंग होगी, 15-17 फुट के समथिंग होगी, और वजन भी इसमें काफ़ी होगा भाई, पूरा पेड़ लाल हो गया बेसिकली, इसके ऊपर का जो स्किन है वो निकल गई है, लाल चंदन लग रहा है फिलहाल तो ये। और रिसोर दिखाता हूँ मैं आपको भाई, कितनी बड़ी बड़ी जड़ बह के आई हुई भाई, कल इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जल जा रहा था, कल वाली वीडियो देख लेना हमारे चैनल पर अपलोड है, और उस वीडियो का लिंक खैर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा,
तो इस तरह का भाई सीन है यहाँ पर चंडी घाट पर। और रिसोर्ट देखिए, ये देखो जड़ से मैं जो घड़ गया भाई, देख लो कितनी स्ट्रॉन्ग जड़ होती है। जब बारिश आई ना, सब कुछ उखाड़ लिया उसने, मतलब इतने ज़बरदस्त तरीके से जड़ समेत उखड़ जाएगा। अगर नॉर्मली आप इसको निकालने की कोशिश करेंगे तो जड़ समेत तो नहीं निकाल पाएंगे। कितनी बड़ी लकड़ियाँ, बड़े बड़े जड़ यहाँ आकर आकर अटक गई है, फंस गई है। नॉर्मली इसको उठाना चाहेंगे तो उठा नहीं पाएंगे, बेसिकली जेसीबी या क्रेन से उठाना पड़ेगा या फिर टुकड़ों टुकड़ों में उठाना पड़ेगा। इस तरह की लकड़ियाँ यहाँ पर फंस गई है। और देखो यहाँ पर ना रेलिंग भी हल्का डैमेज हो गई है, हालांकि देखो पानी में पेड़ हल्के हो जाते हैं तो टूटी नहीं है। और देखो यहाँ पर ये कुटिया बनी हुई है ना, कुटिया पर भी डैमेज आ गया, जो पिलर्स हैं वो घिस चुके हैं। और जड़ देखो भाई, भाई कितना बड़ा पेड़ है। नॉर्मली मैं इसको हिलाना चाहूँ तो हिला भी नहीं पाऊँगा, पानी में बह कर आ गया, क्योंकि पानी में चीज़ें हल्की हो जाती हैं। और ऊपर देखो कहाँ तक पहुँच चुकी लकड़ियाँ भाई। ये तो कल डूबा हुआ था, ये पूरा हिस्सा कल डूबा हुआ था, पूरा पूरा ऊपर की तरफ जल था। और आगे की ओर है चंडी घाट पुल, और देखो भाई कितनी लकड़ियाँ इकट्ठी हो रखी है, सारी बह कर आई है प्लेटफॉर्म के ऊपर तक, अपने आप पहुँच गई। जो इतने बड़े बड़े पेड़, इतने बड़े लट्ठड़, और लगा लीजिए कितना ज़्यादा रौद्र रूप, विकराल रूप कल गंगा जी ने अपनाया था, जो इस तरह की तबाही खैर प्लेन्स में ज़्यादा देखने को मिली होगी। जो आसपास के गांव होंगे वहाँ पर स्थिति और भी ज़्यादा भया भय होगी। सो गाइस, आज 15 अगस्त के दिन भी, मतलब एक दिन बाद भी कुछ इस तरह का नज़ारा है यहाँ पर। अभी भी जो जल प्लेटफॉर्म के ऊपर तक आ रहा है, और लकड़ियाँ देखो कितनी बड़े चट्टे इकट्ठे हुए हैं। इस तरह का मंजर है यहाँ पर, तबाही के बाद का मंजर। कल इस पूरे प्लेटफॉर्म पर, ये प्लेटफॉर्म देख रहे हो ना, ऊपर तक जल था कल, यहाँ तक, यहाँ से खड़े होकर हमने वीडियो बनाई थी। ये पूरा प्लेटफॉर्म जो डूबा हुआ था, बहुत ज़्यादा पानी था कल। और भाई आगे थोड़ा पास जाके दिखाऊंगा जो पेड़ है कितना बड़ा है, वो पेड़ की जड़ कितनी बड़ी, पेड़ तो खैर पूछो ही मत कितना बड़ा है। मतलब हाइट देख लीजिए आप, जो व्यक्ति जा रहा है ना पेड़ के पास से, देख रहे हो भाई, इसकी हाइट लगभग होगी 5-9 के समथिंग इस बंदे की। और पेड़ देखो कितना ऊपर है, लगभग डबल भाई, लगभग 9 फीट के समथिंग, 9 फीट के समथिंग इसकी जड़ जड़ की हाइट होगी, जो कि टूटी हुई जड़ है। बेसिकली जड़ें तो बहुत लंबी होंगी, और पेड़ तो भाई पूछो मत पेड़ कितना बड़ा होगा भाई। इस तरह का ही नज़ारा है यहाँ पर, चारों तरफ जो पेड़ ही पेड़ नज़र आ रहे, जड़ ही जड़ नज़र आ रही, लकड़ियाँ लकड़ियाँ नज़र आ रही। कोई कुल्हाड़ी लेके काट रहा है, कोई कटर से काट रहा है, कुछ तरह का सीन है भाई यहाँ पर। और भाई जो प्लेटफॉर्म बनाया गया था कि गंगा जी का जल जो हरिद्वार में ना एंटर कर जाए, जो एल पॉइंट है, उसके पत्थरों के बीच की मिट्टियाँ रेत वगैरह भी अभी फिलहाल निकल चुका है। सो भाई फिलहाल आपको मैं एक पेड़ दिखाने वाला हूँ भाई। पेड़ कहें क्या, मतलब इतना जायंट पेड़, इतना विशाल पेड़, बहुत ज़्यादा बड़ा पेड़ है भाई, बहुत ज़्यादा। आप सोच रहे हो यार याद है कितना ज़्यादा बड़ा पेड़ दिखाने वाला हूँ, ये देखिए मेरे पीछे भाई कितना बड़ा पेड़ है भाई। इसकी जड़ यहाँ से शुरू होती है और यहाँ तक जाती है। अब मैं इसकी एक बार हाइट दिखाता हूँ दूसरे एंगल से आपको, पेड़ की जो हाइट कितनी है, लंबाई कितनी है भाई। इस पेड़ की जो हाइट लंबाई की अगर बात करें ना भाई, 90 फुट के समथिंग का पेड़ होगा ये, कम से कम 90 फुट का। और हालांकि देखो इसकी चोंच ना अभी टूटी हुई है, आगे से चोंच टूट रखी है, पानी के अंदर है, टूट रखी के अंदर है, पता नहीं चल रहा, लेकिन हाँ टूटे हुए तने हुए नज़र आ रहे हैं इसके भाई। इस तरह के विशाल विशाल पेड़ बहकर आ गए। मैं सोच रहा हूँ ये आया कैसे भाई, जो भीमगोटा बैराज उसके अंदर से निकला कैसे, लंबाई में निकला होगा, अदरवाइज ऐसे तो निकल पाता, अटक जाता। और इसके मोटे मोटे हिस्से, मोटे मोटे जो शाखाएं वो टूट चुकी हैं, और उसके टुकड़े इस तरह से हो गए ऑटोमेटिक नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, मतलब टुकड़े हो चुके हैं ऑटोमेटिक नेचर द्वारा। और ऐसे देखो मशीन से काटते, कुल्हाड़ी से काटते, कितनी मेहनत लगती है। और जब प्रकृति ने इतना प्रेशर के साथ, मतलब ये दबे होंगे, टकराए होंगे, तब जाके टुकड़ों टुकड़ों में यहाँ पर ये पहुँच रहे हैं। सो गाइस, मेरे पीछे बाहुबली टाइप का पेड़ खड़ा है। अब मैं इसको जड़ से उखाड़ के हवा में उछालने की कोशिश करता हूँ। तो जड़ की हाइट ही कितनी ज़्यादा है, मतलब जड़ का टूटा हुआ हिस्सा है बेसिकली। अभी मतलब जड़ कितनी लंबी होगी, मतलब इसकी हाइट जो अभी मुझे जहाँ तक लग रहा है 8-9 फीट की है। अगर मैं इस पेड़ को उठाऊँ क्या वो उठा पाऊँगा भाई, भाई इसमें का इस पेड़ के अंदर लगभग टनों में पेड़ होगा, पता नहीं कितने टन के समथिंग होगा। अब लगा लो जो जड़ का बड़ा हिस्सा टूट के गायब हो चुका, उसकी हाइट ही मुझे लग रहा है 9-10 फीट तो जड़ की हाइट होगी भाई। पेड़ की हाइट लगभग 80-90 फुट के समथिंग पेड़ लग रहा है, जो कि हिस्सा उसका ऊपर से टूटा हुआ अभी भी। इस प्लेटफॉर्म पे लकड़ियाँ देखिए भाई, जो लकड़ियाँ बाहर आई थी और उसका चट्टा किस तरह से लगा हुआ, जत्था लगा हुआ भाई, इस तरह से लकड़ियाँ सारी ऑटोमेटिकली यहाँ पर इकट्ठी हो रखी है। सो गाइस, अक्सर इन पॉइंट पर खड़े होकर हम वीडियो बनाते थे भाई, गंगा जी का जलस्तर बढ़ चुका है, मैं कहता था भाई ये डूब जाएंगे कल, तो भाई यहाँ पर हम आ ही नहीं पाए, क्योंकि भाई ये डूब तो चुके थे। और इधर भी भाई पूरे में जो पानी पानी हो गया था कल, देख लो प्लेन नज़र आ रहा, रेत नज़र आ रही, और ऊंचाई बढ़ गई भी यहाँ पर, बहुत ज़्यादा रेत आया बेसिकली, मिट्टी रेत सब तरह का चीज़ें आई। और ऐसे में भाई यहाँ का सीन कुछ इस तरह का है, कल इनका तो खैर पता ही नहीं था, जितनी भी टक्कर बनी हुई जहाँ से हम अक्सर शूट करा करते थे। और अभी भी भाई देखो
नॉर्मल से ज़्यादा ही जल बह रहा, बेसिकली डेंजरस लेवल पे अभी भी गंगा जी बह रही है, इतना ज़्यादा जल आ रहा है पहाड़ों से अभी भी लगातार। देख रहो इस टक्कर से ऑलमोस्ट मिलकर चल रहा है, जो कि बहुत नीचे होता था लगभग यहाँ से 5 से 6 फुट। तो गाइस इस वक्त आ चुके हैं भीमगोड़ा बैराज पर, और यहाँ पर है ना अभी गेट बदलने का कार्य लगातार चल रहा है, जो गेट बदलने जा रहे हैं। और भाई यहाँ पर भाव देखिए आप भाई, गंगा जी का भाव जो कितना ज़्यादा ज़बरदस्त है। और भाई जो कल वाले पेड़ देखो, जो कल इनकी छत छत नज़र आ रही थी ना, जो डूब चुके थे, आज वो काफ़ी हद तक नज़र आ रहे हैं। कल इनके जो ऊपर ऊपर का टॉप टॉप नज़र आ रहा था, और इस जो टापू था ना, टापू के ऊपर भी जल जा चुका था कल, और लग रहा था ग्रीन बह जाएगी। हालांकि ग्रीन अभी भी है भाई, नहीं है ग्रीन का अभी तो भाई, अभी भी जल कम हुआ है, लेकिन इतना कम नहीं हुआ कि जिसे बहुत ज़्यादा कह सकते हैं। लेकिन हाँ कल 4 से 5 फुट के समथिंग अभी भी जो जल कम हो चुका है, कल बहुत बड़ा जल बढ़ा हुआ था और खतरे के निशान से ऊपर बह रहा था, अभी भी ये खतरे के निशान पर ही है। सुबह आज की वीडियो में दिखाए हरिद्वार के ताजाल, तबाही के बाद का मंजर यहाँ पर दिखाया किस तरह का है भाई। बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ, बड़े बड़े विशाल पेड़, मतलब जिनकी हाइट 70 से 80 फुट, इतने लंबे लंबे पेड़ जड़ से उखड़कर साबुत भी आ गए, टुकड़ों में भी आ गए, टूट के भी आ गए, कुछ इस तरह की स्थिति है फिलहाल हरिद्वार में। जल हालांकि अभी कम हो चुका है, लेकिन बहुत ज़्यादा कम नहीं हुआ, अभी भी खतरे के निशान पर गंगा जी बह रही है। लेकिन कल के दिन बाढ़ टाइप की आ चुकी थी, और आपने देखा ही होगा हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड है। सो आज की वीडियो में हमने दिखाया भाई अभी क्या स्थिति है, किस तरह के हालात हैं, गंगा जी का जल स्तर कितना है, ओवरऑल किस तरह का एटमोसफेयर है अभी हरिद्वार में, दिखाने का प्रयास किया। एक छोटी सी अपडेट वीडियो थी, आई होप आप लोगों को पसंद आई, वीडियो पसंद आई तो वीडियो कर दें लाइक, और शेयर कर दें दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कर लें सब्सक्राइब।